दोस्तों, अगर आपके पास भी बोट के एडवर्ड्स हैं ना, और दोस्तों इनको आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो, कनेक्ट तो हो जाते हैं, बट दोस्तों साउंड नहीं आता, किसी में साउंड आता है, किसी में नहीं आता है। एक में साउंड आ जाता है तो दूसरे एडवर्ड्स को लगाते हैं तो उसमें साउंड नहीं आता है। और भी यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स होती है, मोबाइल में कनेक्टिंग बताता है, वहाँ पे साउंड वगैरह वीडियो भी प्ले हो जाती है और कनेक्ट भी हो जाती है, फिर भी दोस्तों आप वॉइस सुनते हो तो वहाँ पे वॉइस नहीं आता है। तो इसका रीजन क्या है और ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, सभी कुछ आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में दोस्तों आपको जो प्रॉब्लम हो रही है इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे इसके तीन तरीके बताने वाला हूँ। इन तीन तरीके से आप अपने बोट एडवर्ड्स को सही कर सकते हो और अपने वीडियो मतलब की जो साउंड है ना वो साउंड सुन सकते हो। तो इस वीडियो में डिटेल से हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर से कर देना, क्योंकि आगे भी आपको नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैसे आप बॉट एडवर्ड्स जो 381 मेरे जो है इनको आप सही कर सकते हो वो हम सभी कुछ बताने वाले हैं, तो बस वीडियो में बने रहिएगा। हमारे पास जो है अभी बॉट के एडवर्ड्स हैं, जैसे कि अभी आप देख पाओगे इनमें काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है कि अब ये कनेक्ट हो जाते हैं बट दोस्तों साउंड नहीं आता है। मेरे मोबाइल में भी कुछ यही इशू आ रहा है जो मैं आपके सामने अभी चेक करके बताने वाला हूँ, तो बस इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए। अभी देखो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर जो है वो चार्जेस हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे फुल चार्ज है, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह आपको दिख रही होगी, ये देखिएगा लाइट यहाँ पे आप देख पाएंगे है ना। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये दोनों निकाल लिए जैसे कि अभी आप देख पाओगे, और निकालने के बाद अभी मैं इनको मोबाइल से कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इन्हें मोबाइल से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये रख दिया मैंने, और ये हमारा रियलमी का मोबाइल। अभी मैं सिंपल से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ ऑन करा, और ब्लूटूथ ऑन होने के बाद देख सकते हैं एड पॉड्स, यहाँ पे मैं सिंपल से आपके सामने मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है ना इनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे देखो कनेक्ट हो गए ना, यहाँ पे मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ। अभी आपके सामने पेयर बना के बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखो ये सर्चिंग में आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ देर में ये सर्च में आ जाएंगे। पेयर जो है ना वो पेयर में हटा देता हूँ, अनपेयर कर देता हूँ यहाँ पे। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो ये आ चुका है, ये देखिए एडपॉड्स 381, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे पेयर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं पेयर भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फाइनली ये पेयर हो चुका है, जैसे कि अभी आप देख पाओगे एडपॉड्स 381, और यहाँ पे हो चुका है 100% बैटरी बता रहा है ना। अभी हम इसमें साउंड चला के देखते हैं कि साउंड आ रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा मैं जाता हूँ यूट्यूब पर कैमरे की, तो यहाँ पर मैंने कैमरे की वीडियो वॉच करी, और वॉच करने के बाद देखो अभी साउंड आएगा कि नहीं, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। द वीडियो अभी प्ले हो रही है, तो फाइनली यहाँ पे वीडियो प्ले हो चुकी है, और साउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड जो है ना, मैं साउंड भी यहाँ पे फुल कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं साउंड मैंने फुल कर दिया, अभी देखते हैं इनमें वॉइस आ रही है कि नहीं। तो गाइस एडवर्ट्स में कोई भी वॉइस नहीं आ रही है, यहाँ पे ये बोया माइक जिसको मैंने आप कैमरे से कनेक्ट करके रखा है, तो अभी आप देख पाओगे इसमें भी कोई साउंड नहीं आया, आप खुद सुन सकते हो। तो गाइस जैसे कि आपने सुना कि अभी कोई भी इसमें साउंड नहीं आ रहा है, तो अभी इसकी प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो गाइस कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, वीडियो यहाँ पे प्ले हो चुकी है, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। अभी आपको करने के बाद वीडियो में पोस्ट कर देता हूँ, तो दोस्तों एक बार इनको एक बार रीसेट करके चेक कीजिए, जो भी आपके पास एडवर्ड्स हैं रीसेट कीजिए इनके बाद। रीसेट कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रीसेट करने के लिए सबसे पहले तो अपने फ़ोन में से ये डिस्कनेक्ट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दिया यानी मैंने ब्लूटूथ ही बंद कर दिया। रीसेट करने के लिए यहाँ पे जो दोस्तों सेंसर दिए हैं ना, इन सेंसर को आपको यहाँ पे मतलब होल्ड करना है, यहाँ पे मैंने सेंसर को होल्ड करा जैसे कि देख सकते हैं, तो यहाँ पे रेड लाइट शो हो जाएगी। रेड लाइट जैसे शो जाती है देख सकते हैं रेड लाइट इसमें शो हो चुकी है, आपको नहीं दिख रहा होगा, कैमरा साइज ज़्यादा जूमिंग नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर रेड लाइट जल के ये बंद हो चुका है। अभी हम दूसरे को रीसेट करेंगे, इसको मैंने सिंपल सा प्रेस किया, होल्ड किया, और फाइनली शायद ये भी यहाँ पे रीसेट हो चुके हैं, दोनों रीसेट हो चुके हैं। रीसेट होने के बाद फिर से आपको डिब्बी में रखना है, जो भी इसकी डिब्बी मिल जाती है ना, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक ये रख दिया। अब रखने के बाद ये डिब्बी आपको बंद कर देना है, डिब्बी यहाँ पे बंद हो चुकी है ना, बंद हो गई। अभी फिर से क्या करना है, फिर से इसको ओपन करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ, ओपन करा तो यहाँ पे देखो दोनों यहाँ पे चालू हो चुके हैं, दोनों में लाइट जल रही है। अभी मैं फिर से इसको बाहर निकालूंगा, अगर आपकी इस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो आपको दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर से मैं मोबाइल में जाता हूँ, ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ। ब्लूटूथ ऑन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे है ना, ब्लूटूथ 381 जो है यहाँ पे मैंने क्लिक करा, पेयर यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे मैंने पेयर करके हूँ रीसेट कर दिया ना, इसलिए पेयर भी हट गया है। रीसेट करते हो तो पेयर यहाँ पे हट जाता है, देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ पर मीडिया भी, देखो फ़ोन ऑडियो भी चालू है, मीडिया ऑडियो भी चालू है, ठीक। तो यहाँ पे मैं फिर से बैठ जाता हूँ, फिर से वीडियो प्ले करता हूँ, अभी देखते हैं वॉइस आ रही है कि नहीं। देखो मोबाइल में हमने जो हमारी वीडियो है भाई हमने ऑन कर लिए, तो अभी इसमें आप साउंड देख पाओगे, इसमें साउंड आ रहा है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये देखो ये एडवर्ड्स और ये हमारा माइक बोया का, देखो साउंड, ये देखो इसमें साउंड आ रहा है ना, अभी आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, ये एड का है। अभी मैं फिर से इसको पुश करता हूँ, और अभी देखो इसको मैं ये देखियो,
दोनों चालू हो चुके हैं। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। अगर आपके इस स्टेप से, मैं इनको बंद कर देता हूँ अब। अगर गाइस आपका इस स्टेप से भी अगर आपके ये एडवर्ड सही नहीं होते हैं, ये इशू क्या होता है, बार बार होता है ना, ये एक बार हो गया फिर से आपको रीसेट करना है। अगर फिर से भी होता है, अगर दोस्तों आपको रीसेट होने के बाद भी ये फिर से भी वॉइस नहीं आ रही है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा वो मैं आपकी अब बताने वाला हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो मोबाइल होता है इसमें ब्लूटूथ सेटिंग्स होती है, वो आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना होगा। माइक लगा लेता हूँ। तो सिंपल सा आपको करने का होगा, जो भी आपका मोबाइल है आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पे जाना होगा। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद मोबाइल में आपको सर्च करना होगा ब्लूटूथ। यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएंगी, जो भी ब्लूटूथ हेडसेट की जो भी सेटिंग वगैरह होंगी है ना, वो सेटिंग्स आ जाएंगी। सिंपल सा वो आपको उनको क्लियर करना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोबाइल में एक ऑप्शन आता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, तो इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी जो भी नेटवर्क सेटिंग है, जैसे जिसमें वाईफाई आ जाता है, ब्लूटूथ मोबाइल नेटवर्क जो भी आ जाते हैं, इनको सिंपल सा आपको रीसेट करना है। तो रीसेट करोगे तो यहाँ पे फाइनली मैं रीसेट नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये रीसेट हो जाएंगी। रीसेट होने के बाद आप कनेक्ट करके देखिएगा, अगर कनेक्ट हो जाती है, आवाज़ आने लगती है तो काफ़ी अच्छा है। अगर फिर से आवाज़ नहीं आती है तो मैंने पहली मेथड बता दी कि आपको यहाँ पे एडवर्ड्स रीसेट करना है, दूसरी मेथड बता दी कि आपको मोबाइल का जो यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह है वो आपको रीसेट करना है। अगर फिर भी सही नहीं होता है तो उसके बाद एक ऑप्शन और बचता है कि आप अपना मोबाइल दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करके देखिएगा। यहाँ पे दूसरा मोबाइल है मेरे पास यहाँ पे वन प्लस का, तो मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ और इसमें देखता हूँ साउंड आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ से पहले मैं ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो फाइनली एडवर्ड्स यहाँ पे डिलीट डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं इसमें ओपन करता हूँ और ओपन होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्ड्स 381 यहाँ पे आएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा एडवर्ड 381 यहाँ पे सर्चिंग चल रही है। सर्चिंग होने के बाद देखो इसमें आने वाला है, तो मैं अभी तो गाइस फाइनल देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये आ रहा है एडवर्ड्स 381, ये ऑटोमोबाइल से आ रहा है। अनपेयर कर देता हूँ, फिर से मैं पेयर करूँगा। यहाँ पे देखो मैंने अभी करा, ये आ गया एडवर्ड 381। इनको मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पेयर करता हूँ और पेयर होने के बाद फाइनली ये पेयर हो चुके हैं और यहाँ पे कनेक्ट भी हो चुके हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं इसमें साउंड सुनाता हूँ कि इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर से मैं यूट्यूब पर जाता हूँ और यहाँ पे मेरी वीडियो ही मैं यहाँ पे अरविंद सैनी ब्लॉग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं मेरी वीडियो प्ले करके आपको बता देता हूँ। तो साउंड आ रहा है कि नहीं हम चेक कर लेंगे। तो ये मैंने प्ले कर दी वीडियो, तो गाइस फाइनल इनमें भी साउंड आ रहा है, जैसे कि मैं भी आपको बता दूँ। ये देखो ये है माइक और ये है हमारे एडवर्ड्स, तो यहाँ पे आप साउंड सुन पा रहे होंगे। इसका सिंपल से मैं आवाज़ तेज कर देता हूँ, तो देखो आवाज़ आ रही होगी और इसमें भी आवाज़ आ रही होगी। तो फाइनली इनमें दोनों में आवाज़ आ रही है, मतलब कि मेरे एडवर्ड्स अभी सही हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम मैंने आपको करके बताए थे तब इसमें साउंड नहीं आ रहा है, बट अभी आपको साउंड दिखाई देगा, सुनिएगा। तो गाइस फाइनली अभी आपको साउंड आ रहा होगा। इन तीन तरीकों से, जो मैंने आपको तीन तरीके बताए ना गाइस, इन तीन तरीकों से आप अपने एडवर्ड्स को बिल्कुल सही कर सकते हो, है ना। आपको ऐसा नहीं है कि आपके एडवर्ड्स मतलब ख़राब हो चुके हैं, है ना। अगर आपके एक मोबाइल में वर्क नहीं कर रहे हैं तो किसी दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करके देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपकी बॉड एडवर्ड्स की जो प्रॉब्लम हो रही थी, वॉइस नहीं आ रहा था, है ना, साउंड की प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम सही हो गई होगी इस वीडियो को देखकर। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बताइएगा, उस पर मैं रिसर्च करूंगा और उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो भी आपको इश्यू हो रहा है उस पर। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।